Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about the Sale of Goods Act 1930. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ascertaining price and stipulation as to time. Ascertaining price means price का जानना and stipulation as to time means क्या सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम से रिलेटेड कोई कंडीशन लगाई गई है, कोई टर्म लगाई गई है. That is stipulation as to time. हम इन दोनों चीजों की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर. सबसे पहले बात करते हैं ascertainment of price. सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस का जानना. इसके अंदर दो सेक्शन एप्लीकेबल हैं, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10. फाइव वेज टू असर्टेन प्राइस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस को जानने के लिए हमारे पास पांच तरीके हैं. सबसे पहले मैं आपको इन चीजों को मेंशन कर रहा हूं. ए, प्राइस मे बी एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. बी, price may be fixed in the manner provided by the contract. C, determined by the course of dealings between the parties. D, reasonable price may be fixed. And the last one is, price may be determined by valuation of a third party. Sale ke contract ke andar in panch tarike se price ko fix kiya jayega. मैं इन पांचों वेज को आपके सामने एक एक करके टेकअप करूंगा. सेक्शन 9 एंड 10 प्रोवाइड्स फाइव वेज फॉर असर्टेनिंग द प्राइस. द फर्स्ट वन इज, प्राइस मे बी एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेसली मीन्स ईदर इन रिटन वर्ड्स आर इन स्पोकन वर्ड्स. इट इज द यूजुअल वे ऑफ डिटर्मिनिंग द प्राइस. जब हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करते हैं तो उसके अंदर हम प्राइस को लिख देंगे या बोल के बता देंगे. थ्रू म्यूचुअल कंसेंट बोथ पार्टीज में फिक्स अप एनी प्राइस ऑफ गुड्स. दोनों पार्टीज बायर और सेलर अपनी म्यूचुअल कंसेंट के जरिए प्राइस को फिक्स अप कर सकते हैं. हाउएवर इट मे नॉट बी एडुकेट बट इट मस्ट बी सर्टेन. ये जरूरी नहीं है कि प्राइस उतना ही होना चाहिए जितनी चीज की वर्थ है. ये उससे ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी प्राइस होगा वो निश्चित होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ये कैमरा मैं तुम्हें 5000 या 6000 रुपए में बेच दूंगा. यहां पर ये चीज सर्टेन नहीं है. प्राइस कम या ज्यादा तो ठीक है, लेकिन प्राइस निश्चित होना बहुत जरूरी है. सेकंड, प्राइस मे बी फिक्स इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहा गया है प्राइस उस तरीके से फिक्स किया जाएगा. द प्राइस मे बी फिक्स इन अकॉर्डेंस विद द मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. हमने प्राइस को फिक्स करने का जो तरीका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया है प्राइस उसके अकॉर्डिंगली फिक्स किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द पार्टीज मे अग्री दैट द बायर विल पे द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स. जिस दिन गुड्स की डिलीवरी की जाएगी उस दिन जो मार्केट प्राइस होगा बायर वही प्राइस देगा, और ये बात हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दी या बोल के बता दी. वेयर नो प्राइस इज फिक्स्ड बाय द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ प्राइस. ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने प्राइस नहीं बताया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. इन दैट केस द बायर इज बाउंड टू पे रीजनेबल प्राइस टू द सेलर. जिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने प्राइस को फिक्स नहीं किया, प्राइस फिक्स ना होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा. उस केस के अंदर बायर को रीजनेबल प्राइस जो भी है वो सेलर को पे करना होगा. द थर्ड पॉइंट इज, प्राइस मे बी डिटरमिन्ड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज. पार्टीज के काम करने के तरीके को देखते हुए प्राइस को फिक्स किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ डीलिंग शो. एक बायर और सेलर के अंदर लंबे समय से डीलिंग हो रही है और हमने इनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा तो जिससे हमें यह पता चला दैट द बायर हैज बीन अवेलिंग स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 5% ओवर एंड अबव द यूजुअल डिस्काउंट ऑफ 10% इन द पास्ट.
पास्ट में उसे 10% के अलावा 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता था। सो इस केस के अंदर भी जो अब डीलिंग होगी उस केस में भी उसे अब 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। देयरफॉर द सेम डिस्काउंट्स वुड बी अलाउड टू द बायर। हमने पार्टीज के काम करने के तरीके को देखा और जिस तरह से पार्टीज को पास में डिस्काउंट मिल रहा था उसी तरह से हम डिस्काउंट इसको आगे भी देंगे। सो प्राइस जो भी है उसके अंदर 15% का डिस्काउंट अलाउ बायर को किया जाएगा। रीजनेबल प्राइस, वेयर प्राइस इज नॉट डिटरमिंड इन अकॉर्डेंस विद एनी ऑफ द अफोरसेड थ्री वेज, जो अभी हमने तीन तरीके पहले पढ़े हैं, अगर उनके अंदर प्राइस नहीं फिक्स किया गया देन द बायर शैल पे टू द सेलर ए रीजनेबल प्राइस फॉर द गुड्स। उस केस के अंदर अब बायर जो भी रीजनेबल प्राइस होगा वो पे करेगा। बट वट इज ए रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस। रीजनेबल प्राइस क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि हर एक अलग केस के हालात कैसे हैं। डिफरेंट हालात के अंदर रीजनेबल प्राइस कैन बी डिफरेंट। सो रीजनेबल प्राइस डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच एंड एवरी केस। जनरली द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज टेकन एज द रीजनेबल प्राइस। जिस दिन गुड्स की डिलीवरी होनी है उस दिन मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है उस प्रिवेलिंग प्राइस को हम एक रीजनेबल प्राइस मान सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्राइस मे बी फिक्स बाय वैल्यूएशन ऑफ ए थर्ड पार्टी। बायर और सेलर प्राइस फिक्स नहीं करेंगे, यहां पर एक थर्ड पार्टी प्राइस को फिक्स करेगी। द प्रोविजंस रिगार्डिंग वैल्यूएशन बाय द थर्ड पार्टी आर एज फॉलो। वेयर देर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स बाय द वैल्यूएशन ऑफ ए थर्ड पार्टी एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। जिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर हमने ये कह दिया था कि गुड्स को बेचा जाएगा उस प्राइस के ऊपर जो प्राइस एक थर्ड पार्टी डिटर्मिन करेगी, अगर किसी कारणवश थर्ड पार्टी उस प्राइस को फिक्स नहीं कर सकती या वो नहीं करना चाहती द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। सेकेंड पॉइंट, वेयर द गुड्स आर एनी पार्ट देयर ऑफ हैव बीन डिलीवर्ड टू, जहां पर गुड्स या तो पूरी डिलीवर कर दी गई या उनका कुछ हिस्सा डिलीवर कर दिया गया है एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द बायर और बायर ने उसकी स्वीकृति दे दी है, ही शैल पे रीजनेबल प्राइस देयर ऑफ, वो उन गुड्स का एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा। वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर द पार्टी नॉट इन फॉल्ट में मेंटेन ए सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। जिस केस के अंदर थर्ड पार्टी को बायर या सेलर गुड्स की वैल्यूएशन करने से रोकता है तो जो पार्टी फॉल्ट में नहीं है वो दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सकती है जो पार्टी की फॉल्ट है, उससे वो कंपनसेशन को रिकवर कर सकती है। आइएगा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एस एग्रीज टू सेल टू कार्स टू मिस्टर बी। मिस्टर एस सेलर, मिस्टर बी बायर। सेलर दो कारें बायर को बेचेगा। प्राइस ऑफ दीज कार्स फॉर रेंज ओवर एंड मर्सिडीज बेंज इट शैल बी फिक्स बाय मिस्टर एक्स। इन दो कारों का प्राइस मिस्टर एक्स फिक्स करेगा। दोनों के अंदर इस बात के लिए एग्रीमेंट हो गया कि एक्स इन दोनों का प्राइस फिक्स करेगा और सेलर ये दोनों कारें मिस्टर बी को बायर को बेचेगा। मिस्टर बी टेक्स द डिलीवरी ऑफ मर्सिडीज इमीडिएटली। बी ने मर्सिडीज की डिलीवरी इमीडिएटली ले ली। प्राइस थर्ड पार्टी ने फिक्स करना है, एक्स ने फिक्स करना है। जो भी प्राइस एक्स फिक्स करेगा मिस्टर बी, मिस्टर बायर उस प्राइस को पे करेगा। सपोज कीजिएगा लेटर मिस्टर एक्स रिफ्यूजेस टू फिक्स द प्राइस ऑफ द कार। मिस्टर एक्स ने प्राइस को फिक्स करने से मना कर दिया। मिस्टर बी मस्ट पे द रीजनेबल प्राइस फॉर द कार टेकन बाय हिम एंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ रेंज रोवर बिकम्स वॉइड। जो कार बायर ने ले ली है उसका वो रीजनेबल प्राइस पे करे, यानी कि जिस दिन कार को डिलीवर किया गया उस दिन जो मार्केट प्राइस था उसको हम रीजनेबल प्राइस मान लेंगे और बायर सेलर को वो प्राइस पे करेगा, लेकिन रेंज रोवर की सेल को हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। स्टूडेंट इसको नोट करेंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर हमने कहा था
where the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay reasonable price. इस केस के अंदर बायर ने मर्सिडीज कार की डिलीवरी को तो इमीडिएटली ले लिया, तो जिस दिन डिलीवरी ले गई उस दिन जो प्राइस था बायर वो पे करेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो रेंज रोवर कार की सेल का प्राइस फिक्स किया जाना था वो भी नहीं हुआ, उस केस के अंदर हम रेंज रोवर की सेल के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। इसी पॉइंट को हम आगे टेकअप करते हैं। सपोज मिस्टर एक्स इज प्रिवेंटेड इधर बाय मिस्टर एस और मिस्टर बी टू फिक्स द प्राइस। मिस्टर एक्स को रोका जा रहा है सेलर या बायर के द्वारा प्राइस फिक्स करने से। द एग्रीड पार्टी विल बी एंटाइटल टू फाइल ए सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। सेलर ने अगर रोका है या बायर ने रोका है, अगर तो सेलर ने या बायर ने एक्स को प्राइस फिक्स करने से रोका है, तो जो पार्टी डिफॉल्ट के अंदर है उस पार्टी के खिलाफ कंपनसेशन का केस फाइल किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज स्टिपुलेशंस एज टू टाइम। अगर टाइम से रिलेटेड हमने कोई टर्म रखी हुई है, देन दिस इज नोन एज स्टिपुलेशन एज टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट का टाइम हमने रखा हो सकता है या डिलीवरी का टाइम हमने रखा हो सकता है। जब हमने पेमेंट के टाइम के लिए एक टर्म रख दी, पेमेंट इस वक्त तक होगी, देन दिस इज टर्म्ड एज स्टिपुलेशन एज टू टाइम। जब हम ये कह देते हैं डिलीवरी इस समय तक होगी, इस जगह पर होगी, इस समय तक होगी, उस केस के अंदर हम इसको नाम देते हैं स्टिपुलेशन एज टू टाइम। स्टिपुलेशन एज टू टाइम इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इन दिस केस इज स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस। पेमेंट कब की जाएगी, प्राइस की पेमेंट कब की जाएगी, हमने इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स रख दी हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेकेंड पॉइंट, स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी किस समय की जाएगी, हमने इस बात की भी टर्म रख दी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम की कोई कंडीशन रख दें, इस टाइम तक पेमेंट होनी चाहिए, इस टाइम तक डिलीवरी होनी चाहिए, देन वी कॉल दिस थिंग एज स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू द टाइम। आइएगा अब इन दोनों को डिटेल के अंदर हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्टिपुलेशन एज टाइम को हम दो कैटेगरीज के अंदर डाल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन 11 इज एप्लीकेबल। जनरल रूल, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट डीम्ड टू बी असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन का क्या मीनिंग है, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, किस टाइम के ऊपर प्राइस पे किया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का मेजर पार्ट नहीं है, मेन हिस्सा नहीं है। इट मींस अगर पेमेंट टाइम के बाद की जाती है तो भी सेलर को गुड्स की डिलीवरी देनी होगी। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट डीम्ड टू बी असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होने का एक जरूरी हिस्सा नहीं है। अगर कुछ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर करती है फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो बात अलग है। अगर यही कह दिया गया कि गुड्स तब डिलीवर की जाएंगी, ऑनरशिप तब डिलीवर की जाएगी जब पेमेंट होगी, तब ये बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं कहा गया, उस केस के अंदर प्राइस अगर समय पे नहीं दिया जाता तो भी सेलर बायर को गुड्स की डिलीवरी देगा। हम इसके बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। आइएगा अब इस चीज को देखते हैं। सो फॉर द टाइम फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस इज कंसर्न, द जनरल रूल इज दैट टाइम इज नॉट डीम्ड टू बी द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द टाइम फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस इज कंसर्न, जहां तक कि टाइम फिक्स किया गया पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए, ये बात कंसर्न है, ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा नहीं माना जा सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट का असेंशियल पार्ट नहीं माना जा सकता। इस केस के अंदर अगर बायर कुछ देर से भी पेमेंट करता है तो भी सेलर को गुड्स की डिलीवरी देनी होगी। मैं इसके अंदर ये पॉइंट्स आपके सामने ले रहा हूं। Therefore, even if the price is not paid by the buyer on the fixed time, the seller cannot void the contract. Seller ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझे समय से पेमेंट नहीं करी और इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करूंगा। The seller must deliver the goods to the buyer if buyer gives the price within reasonable time. अगर buyer reasonable time के ऊपर पेमेंट देने के लिए तैयार है लेकिन उसने जो टाइम फिक्स किया था उस समय पेमेंट नहीं करी,
the seller must deliver goods to the buyer. However, the seller may claim compensation for the loss incurred. अगर सेलर को पेमेंट टाइम से ना मिलने के कारण कोई नुकसान होता है तो सेलर बायर के खिलाफ कंपनसेशन का क्लेम डाल सकता है. ड्यू टू द फेलियर ऑफ द बायर टू पे ऑन फिक्स टाइम, सेलर को अगर कुछ नुकसान हो गया क्योंकि बायर ने फिक्स टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं करी, तो सेलर अपने नुकसान का कंपनसेशन बायर से रिकवर कर सकता है. अगर सेलर को कुछ नुकसान हो गया क्योंकि बायर ने समय के ऊपर पेमेंट नहीं करी, तो सेलर बायर को गुड्स देने से इनकार नहीं कर सकता अगर बायर रीजनेबल टाइम के अंदर पेमेंट करता है. लेकिन सेलर का अगर कुछ भी नुकसान होता है, सेलर अपने नुकसान का कंपनसेशन बायर से रिकवर कर सकता है. नाउ स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, किस समय पर गुड्स की डिलीवरी दी जाएगी, हमने इसके लिए टाइम की कंडीशन रखी हुई है. So far, time fixed for the delivery of goods is concerned, time is usually held to be the essence of the contract. हमने contract के अंदर goods की delivery का समय रखा हुआ है. अगर seller goods की delivery समय पे नहीं देता, तो buyer contract को avoid कर सकता है. It means जो समय delivery का fix किया गया है, goods की delivery उसी समय पर होनी चाहिए. In case seller delays the delivery of goods, सेलर अगर समय का ध्यान ही नहीं देता, सेलर समय का बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो डिले करता है डिलीवरी ऑफ गुड्स बियॉन्ड द टाइम फिक्स पर, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ द बायर. बायर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है. इट मींस अगर पेमेंट लेट होती है तो सेलर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन अगर डिलीवरी लेट की जाती है तो बायर के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है. Therefore, where the time is fixed for the delivery of goods in the contract, delivery must be made at the fixed time. Otherwise, the injured party is entitled to avoid the contract. जहाँ पर delivery of goods के लिए समय fix किया गया, वहाँ पर delivery of the goods उसी समय के अंदर दी जानी चाहिए. नहीं तो जिस party को नुकसान होगा, that party is entitled. Entitled means अधिकार होना. उस party को अधिकार मिल जाएगा to avoid the contract. वो party चाहे तो contract को avoid कर सकती है. इन अवर केस बाहर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है. सेलर गुड्स की डिलीवरी दे रहा है लेकिन बाहर उसकी पेमेंट उस वक्त नहीं कर रहा, सेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता अगर बाहर रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवरी देता है. सेलर उस केस के अंदर बाहर से अगर उसका कुछ नुकसान हुआ है तो बाहर से कंपनसेशन को रिकवर कर सकता है. लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स के केस के अंदर सेलर उस समय गुड्स की डिलीवरी दे जो टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर निश्चित किया गया है. अगर सेलर निश्चित समय के ऊपर गुड्स की डिलीवरी नहीं देता तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स. टाइटल मींस ऑनरशिप. गुड्स की ऑनरशिप के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं. डॉक्यूमेंट्स विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड आर रिगार्डेड एज प्रूफ ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, दे आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल. जिन डॉक्यूमेंट्स को हम देख के ये कह सकते हैं कि ऑनरशिप किसकी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनरशिप टू गुड्स. जिन डॉक्यूमेंट से गुड्स की ऑनरशिप का प्रूफ मिल जाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स कहलाएंगे. इट ऑथराइजेज इट्स पोजेसर टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय इट. इस डॉक्यूमेंट के अंदर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वो व्यक्ति गुड्स को ले भी सकता है और गुड्स को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एल आर लॉरी रिसीट, आर आर रेलवे रिसीट, बी एल बिल ऑफ लेडिंग एसेट्रा. ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैं. इसी के साथ साथ हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स टू गुड्स की एक बहुत लंबी लिस्ट हमें दी गई है. मैं आपके सामने एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को टेकअप कर रहा हूं. बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स. वो सारी चीजें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि
गुड्स की ऑनरशिप का प्रूफ है या गुड्स के कंट्रोल का प्रूफ है या गुड्स के पोजेशन का प्रूफ है, हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोलेंगे। चाहे ये हमें मिले एंडोर्समेंट के थ्रू, डिलीवरी के थ्रू, द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड, इन डॉक्यूमेंट्स को रखने वाला गुड्स को ले भी सकता है और गुड्स को किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। आइएगा अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत क्विकली हम एक ओवरव्यू लेते हैं। जब शिप के जरिए गुड्स को बुक किया जाता है तो शिपिंग कंपनी ये गुड्स की बुकिंग का हमें एक प्रूफ देती है, दैट पर्टिकुलर बिल इज बिल ऑफ लेडिंग। डॉक वारंट, जिस वक्त समुद्री जहाज के ऊपर चढ़ाने से पहले हम पोर्ट के ऊपर जब गुड्स को डिपॉजिट करते हैं तो उस समय हमें पोर्ट वाले एक डॉक्यूमेंट देते हैं विच इज टर्म्ड एज डॉक वारंट। दिस डॉक वारंट इज गिवन बाय द पोर्ट अथॉरिटीज। वेयर हाउस रिसीट, कुछ गुड्स को अगर हमने गोदाम के अंदर जमा कराया है तो वहां पर हमें वेयर हाउस से एक रिसीट मिल जाती है जो कि इस नेचर की है। फोर्थ, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, शिप के ऊपर गुड्स को लोड करने से पहले एक ट्रैक के ऊपर सारी गुड्स को रख दिया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज वॉरफिंगर सर्टिफिकेट। रेलवे रिसीट, जब गुड्स रेलवे के थ्रू भेजी जाए तो रेलवे अथॉरिटीज एक रिसीट को इश्यू करती है, दैट इज रेलवे रिसीट। सिक्स, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि गुड्स रेलवे के थ्रू भी जाएंगी, बाय एयर भी जाएंगी और रोडवेज के थ्रू भी जाएंगी, देन वी कॉल इट इट्स ए केस ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, जहां पर हम एक ट्रांसपोर्ट मीडियम को यूज नहीं कर रहे, हम शिप को भी यूज कर रहे हैं, हम रोडवेज को भी यूज कर रहे हैं और गुड्स को भेजने के लिए एरोप्लेन्स को भी यूज किया जा रहा है, या हम रेलवे को भी यूज कर रहे हैं ताकि गुड्स को डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाया जा सके। इन दैट केस, अगर ये सारे काम एक ही कंपनी हैंडल कर रही है तो उस केस के अंदर हमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मिलता है। द सेवंथ वन इज ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। हमने कहीं पर गुड्स को डिलीवर किया और वहां पर हमें एक कार्गो रिसीट मिल गई। लॉरी रिसीट, कुछ केसेस के अंदर हम अपने गुड्स को बाय रोड भेजते हैं, उस केस के अंदर हम ट्रांसपोर्ट एजेंसी को यूज करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज रोडवेज के थ्रू गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं उनको हम नाम देते हैं लॉरी रिसीट। इनको एक सिंपल नाम भी दिया जाता है, पब्लिक कैरियर्स। जब हम अपनी गुड्स किसी पब्लिक कैरियर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजें और वो पब्लिक कैरियर रोड्स के थ्रू गुड्स को भेजें, देन दे इश्यू ए रिसीट, दैट रिसीट इज लॉरी रिसीट, LR। स्टूडेंट, यहां पर ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है और इस लेक्चर के अंदर हमने दो तीन बातें करी, प्राइस को जानने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं एंड स्टिपुलेशन एज टू टाइम। प्राइस को जानने के लिए हमने 5 वेज को स्टडी किया और स्टिपुलेशन एज टाइम को हमने 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला तो स्टिपुलेशन एज टू टाइम एज रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ प्राइस विच इज नॉट असेंशियल। सेकेंड, स्टिपुलेशन एज टू टाइम एज रिगार्ड टू डिलीवरी ऑफ गुड्स विच इज वेरी वेरी असेंशियल। हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी पढ़ा और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को देखा कि बहुत तरह के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स टू गुड्स हैं जिसके थ्रू हमें गुड्स की ऑनरशिप का पता चलता है। जिस व्यक्ति के पास ये डॉक्यूमेंट है वो गुड्स को रिसीव भी कर सकता है या गुड्स को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर से आपकी नॉलेज के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी और ये लेक्चर आपको कुछ चीज़ों को समझने के अंदर बहुत आसान बना देगा। थैंक यू वेरी मच।